एक कपल होटल में खाना खाने गया, बॉयफ्रेंड अच्छा क्या लोगी तुम, गर्लफ्रेंड जो तुम कहो, बॉयफ्रेंड बेटर जरा मीनू लाना, गर्लफ्रेंड मैं भी मीनू खाऊंगी, कसम से रोना आ गया गवार कहीं की। पंडित जी को दस्त लग गया, डॉक्टर ने कहा नींबू का इस्तेमाल करो। दो दिन बाद, डॉक्टर अब दस्त कैसा है? पांडे जी नींबू हटाते ही फिर शुरू हो जाते हैं। रिश्तेदारी की शादी में मिलने वाला पैंट शर्ट का कपड़ा इधर उधर घूमते ही रह जाता है, सिल नहीं पाता। किलर वन, एक सरदार माउंट एवरेस्ट पर गया, तीन बाबा बैठे थे और तंबाकू रगड़ रहे थे। सरदार, बाबा ये क्या है? बाबा मसाला। सरदार जी वो तेरी एवरेस्ट मसाला आप भी बनाते हो? पल्स पोलियो टीम आई संता बीबी से, बंदूक और कारतूस कहाँ है? टीम भागी, पीछे से संता ने आवाज दी, रुको ओए रुको, ये हमारे बच्चे के नाम है। पत्नी, ये पलंग क्यों ले आए? पति, धनतेरस है ना इसलिए। पत्नी, धनतेरस पे पलंग? पति, हाँ धनतेरस पे सोने का कुछ खरीदते हैं ना। कुछ लोग वाकई हमारी जिंदगी में अदरक की तरह होते हैं, उनकी अहमियत हमें कूटने पर ही पता चलती है। एक सुंदर सी लड़की मेरे तरफ बढ़कर आई और बोली, मेरी हर एक सांस पर हर कोई मरता है। मैंने कहा, अच्छा सा टूथपेस्ट ले पगली। पप्पू बस में खड़ा था, ब्रेक लगी तो एक लड़की पे जा गिरा। लड़की, बदतमीज क्या कर रहे हो? पप्पू, आईटीआई। और आप? जुड़वा बच्चे अपने कमरे में बैठे थे, एक हंस हंस के लोटपोट हो रहा था जबकि दूसरा उदास था। पिता, इतना क्यों हंस रहे हो? बच्चा, इतनी ठंड में मम्मी ने दो बार इसी को नहला दिया। जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से पाने की ख्वाहिश या कोशिश करते हो तो वह चीज उसी शिद्दत से कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखाने लगती है। पत्नी, आप बहुत भोले हैं, आपको कोई भी बेवकूफ बना देता है, शुरुआत तेरे बाप ने की। एक कॉल गर्ल 2000 का नोट बैंक में जमा करवाने गई। बैंक वाला, ये नोट नकली है। कॉल गर्ल, हे भगवान इसका मतलब मेरा बलात्कार हो गया। अमेरिका, चाहे जितनी मर्जी खोज कर ले लेकिन कभी भी यह नहीं पता लगा सकते कि साउथ के फिल्मों में बाप काला और बेटी गोरा कैसे हो जाती है। पत्नी ने सुबह सुबह कहा कि आधा सर दुख रहा है, पति ने गलती से बोल दिया कि जितना है उतना ही तो दुखेगा, तब से पति का पूरा शरीर दुख रहा है। बेटा, पापा एक बात बोलूं? पापा, हाँ। बेटा, फेसबुक पर मेरे 15 फेक आईडी है। पापा, हराम खोर तू मुझे क्यों बता रहा है? बेटा, आप जिस रिया को 10 दिन से चाय पे बुला रहे हो मैं वही हूँ। पापा, दे थप्पड़ दे लात। बच्चा, पापा जैसे आप मुझे मारते हो क्या दादाजी भी आपको मारते थे? बाप, हाँ बेटा। बच्चा, तो ये खानदानी पागलपन कब तक चलेगा? एकदम जोरदार दुकानदार बोला, साहब क्या चाहिए? ग्राहक, होनी वाली बीवी के कुत्ते के लिए केक। दुकानदार, यही खाओगे या पैक करवा दूं? लड़का, शादी कर ले मुझसे। लड़की, क्यों? लड़का, मेरे पापा गांव के सबसे बड़े आदमी हैं। शादी के बाद लड़की को पता चला कि लड़के का बाप 105 साल का है। टीचर, एक औरत एक घंटे में 50 रोटी बनाती है और तीन औरतें एक घंटे में कितनी रोटी बनाएगी? बच्चा, एक भी नहीं, क्योंकि तीनों मिलकर सिर्फ चुगली करेंगी। टीचर बेहोश। पति, शादी के समय सात फेरे लेते वक्त तुमने वचन दिया था और स्वीकार किया था कि मेरी इज्जत करोगी, मेरी सब बात मानोगी। पत्नी, तो क्या इतने लोगों के सामने तुमसे बहस करती? वो उदास बैठे पानी में पत्थर मार रहे थे,
एक मेढक निकलकर बोला, पानी में आ तेरी उदासी उतार दूं साले, अपनी वाली के चक्कर में मेरी वाली का सिर फोड़ दिया। शॉपिंग में व्यस्त बीबी का सब्र से साथ देना भी मोहब्बत है, जरूरी नहीं कि हर कोई ताजमहल बनवाता फिरे। भले ही खुद के घर में आलू करेला और लौकी बनती हो, मगर शादी में खाने की बुराई तो ऐसे करते हैं जैसे रोज संजीव कपूर से खाना बनवाते हो। संता, चिकन तो बहुत अच्छा बना है, पर अजीब सा टेस्ट क्यों आ रहा है? बनता, बनाते समय मुर्गी की टांगें जल गई थी तो मैंने बोरो प्लस लगा दिया था। एक औरत आईफोन 7 जेब में डालकर रास्ते पे चल रही थी कि पैर फिसला और गिर पड़ी। तभी कुछ खटाक से टूटने की आवाज आई। दिल थाम कर बोली, भगवान करे हड्डी हो। एक दिन संता को फांसी लगने वाली थी। जेलर ने पूछा, कोई आखिरी ख्वाहिश? संता, मुझे फांसी देते वक्त मेरे पैर ऊपर और सिर नीचे रखना। वो जहर देकर मारते तो दुनिया के नजर में आ जाते, अंदाजे कत्ल तो देखो, मोहब्बत करके हमसे ही शादी कर ली। एक पियक्कर देर रात घर लौट रहा था। वह जानता था कि उसकी बीबी दरवाजा नहीं खोलेगी, तो उसने एक आइडिया सोचा और दरवाजा खटखटाया। पत्नी, कौन? पियक्कर, मैं अपनी सुंदर बीबी के लिए सुंदर गिफ्ट लाया हूँ। बीबी ने दरवाजा खोल कर पूछा, सुंदर गिफ्ट कहाँ है? पियक्कर, सुंदर बीबी कहाँ है? बैंक लूटने के बाद डाकू, तुमने मुझे देखा? क्लर्क, हाँ। डाकू ने क्लर्क को गोली मारकर एक आदमी से पूछा, तुमने मुझे देखा? आदमी, नहीं, पर मेरी पत्नी ने देखा है, साथ में कह रही है, पुलिस को भी बताऊंगी। शेर शेरनी को किस करने लगा। शेरनी उसे रोककर इधर उधर देखने लगी। शेर, क्या हुआ? शेरनी, देख रही हूँ आसपास डिस्कवरी चैनल वाले तो नहीं, साले MMS बना लेते हैं। डॉक्टर, आपकी बीवी अब सिर्फ 2 दिन की मेहमान है। I am sorry। चंपू, इसमें सॉरी क्या बात है डॉक्टर साहब, निकाल लेंगे ये 2 दिन जैसे तैसे। मंडप में दुल्हन को नीचे सर झुकाए बैठी देख एक बुजुर्ग महिला बोली, बहू कितनी सुशील और संस्कारी है, जब से बैठी है सर नीचे झुकाए बैठी है, एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखी। तभी पीछे से आवाज आई, माँ जी दुल्हन व्हाट्सएप ऐप पर बिजी है। ग्रामर के टीचर स्टूडेंट से, हरीश अब शराब नहीं पीते, इसमें हरीश क्या है? स्टूडेंट, इसमें हरीश माता रानी का भक्त है और उसने नवरात्रा रखा हुआ है। साला इतनी ठंड में गलती से नहा भी लो तो घर वाले शक करने लगते हैं, जरूर किसी चुड़ैल से मिलने जा रहा होगा। नेपाल के प्रधानमंत्री के मोबाइल पर रात के 2 बजे कॉल आया, आप सो तो नहीं रहे हो? नेपाल प्रधानमंत्री गुस्से से, कमीनी यह तो जरूरी नहीं है कि हर नेपाली चौकीदार ही हो। एक मेढक ज्योतिषी के पास गया और अपना भविष्य पूछा, ज्योतिषी एक लड़की मिलेगी और तेरा दिल ले लेगी। मेढक खुशी से उछलते हुए, कहाँ मिलेगी? ज्योतिषी, बायोलॉजी की लैब में। एक आदमी था, उसने दारू पीना बंद कर दिया, उसका लीवर तो बच गया परंतु उसके पास कोई दोस्त नहीं बचा। जिन भक्तों को अपने फोन की बैटरी से लो बैकअप की समस्या है, वो चाहे तो अपनी बैटरी की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का उपवास रख सकते हैं। आपको हमारी जोक कैसी लगी कमेंट जरूर करें, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।